हेलो हेलो फ्रेंड, हेलो एवरीवन। मैं आनंद से हर्षिदा पटेल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ नया ही। तो आज हम बनाएंगे छोले चना परोठा। छोले चना परोठा बनाने के लिए हमें चाहिए ये बटर, और हम सर्व करेंगे मस्ती दही के साथ। तो ये हमें दही चाहिए। ये है चना। चना को मैंने 5 से 6 घंटे तक भिगोया, बाद में इसको बॉईल कर लिया, और बॉईल करने के बाद मैंने इसको ऐसे मिक्सी जार में क्रश कर लिया है। ये है गेहूं का आटा। इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल और नमक लेके मैंने गूंद के रखा है। ये है गरम मसाला, लहसुन और आदू मिर्चा की पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, मरी पाउडर। तो ये सब इंग्रेडिएंट्स लेके आज हम बनाएंगे छोले चना पराठा। चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। इसमें हम लेंगे थोड़ा सा मरी पाउडर, गरम मसाला, ये आदू मिर्चा लहसुन की पेस्ट है। और ये हरा धनिया जो मैंने बारीक चॉप करके रखा है। इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। चना को हमें अच्छी तरह से बॉईल करना है। कुकर में हम इसे पानी लेके और 5 से 6 सीटी बजे तब तक हमें इसे बॉईल करना है। वो अच्छी तरह से पक जाए, बाद में ठंडा करके हम इसे ऐसे मिक्सी जार में क्रश कर लेते हैं। फिर इसमें एक मसाला लेते हैं, स्वाद अनुसार थोड़ा सा हम नमक लेंगे, क्योंकि हमने बॉईल करते वक्त इसमें नमक लिया है। इसे हमें हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बाद में हम इसे छोटे छोटे थोड़ा सा बॉल बना के रखते हैं, तो हमें बनाते वक्त थोड़ा इजी रहता है। हम पैन को गर्म करने के लिए रखते हैं। ये गेहूं का ही आटा है। इससे भी हम ऐसी थोड़ी बड़ी साइज की लोई लेंगे और ऐसे इसकी छोटी कटोरी से बनानी है। और इसमें हम रखते हैं ये जो हमने इसको हमें अच्छी तरह से दबा दबा कर जो आटा है उसको ऊपर लाना है। देखो ऐसे, और जो
एक्स्ट्रा आटा है हमारा वो निकल जाएगा, हम ऐसे निकाल लेंगे। हाथों से थोड़ा सा ऐसा दबा लेना है, हमें थोड़ा सा आटा लेना है ऐसे। अब हम इसे हल्के हाथों से ऐसे बेल लेना है। देखो चना को हमें अच्छी तरह से भिगोना है 5 से 6 घंटे, बाद में इसमें बॉयल भी अच्छी तरह से कर लेना है। ये अच्छी तरह आपको ध्यान रखना है, जो चना है वो कच्चा ना रह जाए, तो जो कच्चा होगा तो ये आपका ये अच्छा नहीं बनेगा। वो अच्छी तरह से बॉयल हो जाए, बाद में ठंडा करके इसको मिक्सी जार में हमें क्रश करना है। लगता है ना कुछ डिफरेंट? देखो अब हम इसको पकाएंगे। अब हम दूसरी स्टाइल से भी आपको बताते हैं कैसे बनाना है पराठा। तो हमें पहले से रोटी बनानी है। देखो ऐसे हम एक रोटी बनाएंगे बड़ी साइज की थोड़ी। इसको हम एक साइड से ऐसे कट लगाएंगे। ऐसे ही रखेंगे हमारा ये पूरन, देखो ऐसे। अगर आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो ऐसे। बाद में इसको ऐसे पलटाते हैं और ऐसे, तो ये ट्रायंगल शेप का ये आपका पराठा बनेगा। देखो ये पराठा हमारा पक गया है। इस पर हम लगाएंगे बटर। बटर से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इस साइड भी हम लगाएंगे ऐसे बटर। देखो कितना अच्छा लगता है ये हमारा। इसको हम एक प्लेट में निकालेंगे और दूसरा पराठा बनाते हैं। देखो ऐसे ट्रायंगल शेप का। आप
ऐसे भी बना सकते हो, आकार भी नहीं और ये अंदर से पूरन बाहर भी नहीं आएगा और बहुत अच्छा लगेगा। आप जो आपकी पसंद हो ऐसे बना सकते हो। देखो ऐसे बहुत अच्छा है, मस्ती दही आता है ना वो बहुत अच्छा आता है, इसका नाम ही ऐसा है मस्ती, और खाने भी खाने में भी इतना ही अच्छा लगता है। तो दही के साथ सर्व करते हैं। दही में हम लेंगे भुना हुआ जीरा पाउडर, थोड़ा और थोड़ा सा धनिया, अब हम इसको सर्विंग प्लेट में सर्व करेंगे। उस पर रखेंगे ऐसे बटर और ये मस्ती दही। थैंक यू अमोल टीम। तो देखो फ्रेंड्स, रेडी हमारे छोले चना परठा। थैंक यू अमोल टीम।